गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यूपी में एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। भोपाल में उन्होंने कहा, यूपी की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला लिया। उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। वहीं गृहमंत्री ने कांग्रेस के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। सपा हाफ है, कांग्रेस साफ है, बसपा माफ है। वो सारे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो नारा था, उसके लिए यूपी की जनता को बधाई। परसों फिर देंगे जब परिणाम आएंगे। माननीय मोदी जी के कुशल और सफल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, कुशल शिल्पी संगठन के, इन सबको बहुत बधाई और जनता का बहुत आभार। देखिए तो सही, आप क्या मजाक है, जिसने गौचर की भूमि गायब कर दी वो गौशाला का निरीक्षण करने जा रहा है, अब जिससे हास्यास्पद और क्या होगा? इससे हास्यास्पद क्या होगा? जिसके समय में कत्ल खाने चला करते थे वो प्रदर्शन करने जा रहा है। ये डेमोक्रेसी की विडंबना ही है। जिनने किसान के कर्जे माफ करने के नाम पर धोखा दिया वो किसानों की बात कर रहे हैं, जिनने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा दिया वो नौजवान की बात करते हैं। यह डेमोक्रेसी की विडंबना ही है और क्या। अब ये कांग्रेस की स्थिति देखकर मैं आश्चर्यचकित भी हूं और मैं क्या कहूं उसको, पार्टी का नेता, पार्टी का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, अगर कोई पार्टी की लाइन कह देते हैं उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि मैं ऐसा 100 बार करूंगा, तो मेरे ख्याल से तो कहां पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर ही उंगली उठा दी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व पे उंगली है ये। सदन में जो कमलनाथ जी बोले वो रिकॉर्ड है। मैं संसदीय कार्य मंत्री के लिए मानता हूं कि जो सदन की प्रॉपर्टी बन जाए उस पर अगर उंगली उठती है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद का उनका ट्वीट, और इसलिए कमलनाथ जी से ही प्रार्थना करूंगा कि उनको कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ की सौगात देंगे ये अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, संवाहक है। हमारी मान्यता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और इसलिए आप देखेंगे कि शासकीय सेवा में भी 7% की वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं की सर्विस के अंदर हुई है, जो एक अपने आप में बड़ी वृद्धि है। प्रदेश के अंदर आज हमारी सभी बेटियां जो पुलिस में हैं वो ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रही है। जीवन को गति देने वाली मातृशक्ति अनियंत्रित गति को भी नियंत्रित करने का काम आज सारे प्रदेश के अंदर वो स्वयं करेंगी। हमारी सरकार है जिसने निकाय में, पंचायत में, सब जगह आरक्षण दिया, पुलिस भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में, और जो हमारे नवाचार किए गए शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो कन्या विवाह हो, ये पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए। हमारे यूक्रेन से 496 लोग सकुशल लौट आए हैं। सुमी एक जगह है जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वहां पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। अगर मध्य प्रदेश के हो तो गृह विभाग को, उनके स्वजन परिजन जो आपको देखते हो सुनते हो आपके चैनल को, वो जरूर अपनी जानकारी करेक्ट करके गृह विभाग को सूचित करें। खंडवा में सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को बेचने